यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। जहां एक तरफ भाजपा और सपा चुनावी अपने अपने वोटर्स को रिझाने के लिए रणनीतियों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सवाल ये है कि मायावती के कोर वोटर्स किस ओर जाएंगे, इसका चुनाव के नतीजे पर क्या असर होगा। चुनाव प्रचार से बसपा सुप्रीमो मायावती की अनुपस्थिति ने इन परस्पर संबंधित सवालों को उठाया है। इस प्रश्न के लिए दो विपरीत व्याख्या सामने आई है। पहला ये है कि बसपा का मूल समर्थन आधार जो अधिकतर जाटव जातियों से आता है वो बरकरार रहेगा। दूसरा, ऐसे मतदाता नए विकल्पों की ओर बढ़ेंगे जिससे बसपा का और पतन होगा। आइए इन सब में सबसे पहले जान लेते हैं कि बसपा के छिटकते कोर वोट बैंक के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता करीब 22% है। 80 के दशक तक कांग्रेस के साथ दलित मतदाता मजबूती के साथ जुड़ा रहा, लेकिन बसपा के उदय के साथ ही ये वोट उसके साथ आ गया। हालांकि बसपा का दलित कोर वोट बैंक भी छिटकता नजर आया है। यूपी में 22% दलित समाज दो हिस्सों में बटा है, एक जाटव जिनकी आबादी करीब 14% है और जो मायावती की बिरादरी है। इसके अलावा दूसरा गैर जाटव दलित समुदाय है जो फिलहाल बीजेपी सहित दूसरी पार्टियों के साथ है। यूपी में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में आने के बाद से वह अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। दलितों के मुद्दे पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय है। इसके अलावा मायावती के दलित वोटर पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर की नजर है। चंद्रशेखर आजाद भी जाटव है और मायावती की तरह पश्चिम यूपी से आते हैं। जाटव वोट बसपा का हार्डकोर वोटर माना जाता है जिसे चंद्रशेखर साधने में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर के साथ दलितों का युवा तबका साथ में है जो मायावती के लिए चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि अभी तक ये लोग बसपा के साथ थे। ऐसे में मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर कहीं जोखिम भरा कदम तो नहीं उठा रही है। आइए इन सब में जानते हैं कि लगातार चुनावी हार ने समर्थकों का कैसे मोह भंग किया है। आपको बता दें कि चुनावों की लगातार हार ने बसपा के समर्थकों का मोह भंग कर दिया है। सन 2017 के विधानसभा चुनाव में कई उत्तरदाताओं ने कहा कि यह आखिरी बार है जब हम बहन जी की कोशिश कर रहे हैं, अगली बार हम किसी और की तलाश करेंगे। आपको बता दें कि उस दौरान बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ने कुछ उत्साह का संचार किया था, लेकिन वह टिक नहीं सका। आपको यह भी बताते चले कि बसपा के कोर वोटर मायावती को लगातार समर्थन देने की सजा भुगत रहे हैं। जी हां, सन 2012 से सन 2017 तक अखिलेश यादव सरकार के दौरान उनके साथ भेदभाव किया था। इस दौरान उनके सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी नीतियों को खत्म कर दिया गया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पदावतन कर दिया गया था और कई जिलों का नाम बदल दिया गया था। हालांकि भाजपा शासन में स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ। वास्तव में यह तर्क दिया जाता है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में यादवों जाटवों और मुसलमानों को छोड़कर पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के साथ साथ प्रभावशाली सवर्णों का एक सामाजिक गठबंधन बनाया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा उम्मीदवार के नामांकन पैटर्न के आंकड़े बताते हैं कि पार्टी गैर जाटव उम्मीदवारों को वरीयता देती है और सन 2012 के बाद से इस तरह की प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई है। बहिष्करण की रणनीति मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति में हुई है। यूपी की अनुसूचित जाति आबादी का 60% होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने केवल एक मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश को नियुक्त किया। वह इस समुदाय से राज्य मंत्री के पद पर है। आपको बता दें कि राजनीतिक सत्ता से व्यवस्थित बहिष्कार ने बसपा के मुख्य मतदाताओं के सामाजिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच चिंता पैदा कर दिया है, जिससे मायावती को सन 2019 के आम चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बसपा सपा गठबंधन ने दोनों पार्टियों के सामाजिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग को अपने राजनीतिक बहिष्कार को समाप्त करने के लिए अपने मतभेदों को खत्म करने का मौका दिया। हालांकि जब मायावती ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा की तो उनके सहयोगियों ने असहमति जताई और सपा में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया।
जब उत्तर प्रदेश में ये सब चल रहा था तो मायावती जनसभाओं के लिए बाहर नहीं आई, लेकिन अब उन्होंने अपने चिंतित मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया कि वह उनके हितों की देखभाल में सक्रिय है। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं हुई है। इस निष्क्रियता ने उनके मतदाताओं को सपा शासन द्वारा संरक्षित किए जाने में उनकी रुचि को देखने के लिए प्रेरित किया है। आपका इसमें क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।